गाइस वेलकम बैक टू आपका अपना फेवरेट चैनल डर्मा साइंस में आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट डिंपल। सो मसूरी ट्रिप के बाद फाइनली आई एम बैक आपकी सेवा में अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। सो आज की मेरी जो वीडियो है ना वो सिर्फ ओल्ड एज के लिए नहीं है, अगर आपने टाइटल पढ़ा है तो, हम जैसे एज के लोगों को भी सर्दियों में घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है और कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से। तो आज बेसिकली मैं आपको एक ड्रिंक बनाना सिखाने वाली हूँ जो अगर आप कंज्यूम करोगे ना तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड क्योंकि सर्दियां हैं तो बहुत सारे लोग इसे फेस करते हैं, छोटे बच्चों को भी ये दर्द होता है, तो आप अबव 16 ये रेमेडी किसी को भी दे सकते हो। हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है मिल्क में, लेकिन यहां मैं अकेला मिल्क आपको सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मिल्क बहुत अच्छे से पीते हैं, दूध अच्छे से पीते हैं, लेकिन तब भी उनकी शिकायत रहती है कि कैल्शियम की कमी है उनकी बॉडी में। वो इसलिए क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो डाइट है वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही मिल्क में को, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम रहती है। तो बेसिकली कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ मैं आज आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ। इस रेमेडी को आपको लेना कब कब है पहले मैं ये बता देती हूँ। इस रेमेडी को आपको 3 महीने लगातार लेना है, फिर 3 महीने का आपको ब्रेक देना है, फिर 3 महीने लेना है, फिर 3 महीने का ब्रेक देना है। इस तरीके से अगर आप लेते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, साथ ही साथ इन फ्यूचर कभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। सो गाइस ये रेमेडी सिर्फ ओल्ड एज नहीं, आप भी ले सकते हो, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं। कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस रेमेडी को, इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम सिर्फ 3 ड्राई फ्रूट्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लूंगी 200 ml मिल्क। क्वांटिटी छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सबके लिए सेम है, तो क्वांटिटी होगी 200 ml यहाँ पे हमें मिल्क लेना है। उसके बाद हमें लेना है 1 अखरोट यानी कि वॉलनट। इस वॉलनट को अच्छे से छोटे छोटे तोड़ दो जिससे कि आप अच्छे से च्यू कर पाओ और इसे मिल्क में डाल दो। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे 4 आमंड्स, सिर्फ 4 बादाम लेने हैं हमें, और इसको भी आप चाहे तो साबुत डाल दो दूध में, चाहे आप टुकड़े करके डाल दो जिससे कि आपको इजीली च्यू कर सको आप, बेसिकली उसको डाल दीजिए। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच फेनुग्रीक सीड यानी कि दाना मेथी, या फिर कुछ लोग मेथी दाना भी इसे कहते हैं। तो इन 3 चीजों को 200 ml मिल्क में आप मिक्स कर दीजिए और इस दूध को अच्छे से आप उबालिए 5 से 7 मिनट के लिए। हाँ जी, 5 से 7 मिनट के लिए आपको इसको उबालना है। अच्छे से जब उबल जाए तो विद ड्राई फ्रूट्स आप इसको छान लीजिए और गुनगुना होने तक, मतलब जितना ताज़ा आप पियोगे उतना अच्छा है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है आपको इस दूध को। और लास्ट में आपको इसमें डाल देना है फॉर अ टेस्ट 1/2 चम्मच हनी। 1/2 चम्मच हनी हम इसमें फॉर अ टेस्ट डाल रहे हैं। उसके बाद विद ड्राई फ्रूट्स गुनगुना, जितना ताज़ा पी सकते हो गर्म उतना आपको पीना है, ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पूरे बेनिफिट्स चाहिए तो इसे अच्छे से पिए और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं उसे च्यू करते करते, मतलब चबा चबा के उसको, उस दूध को पिए, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये रेमेडी लेनी कब है, इस रेमेडी को लेने का टाइम बेस्ट है नाइट। अगर नाइट में आप कोई और ड्रिंक लेते हो, कंपल्सरी कुछ भी पीते हो, तो आपको उसके 1/2 घंटे बाद ये आपको पी के सोना है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको ये ड्रिंक लेनी है। एंड विद इन 3 मतलब 1 मंथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसको रेगुलरली 3 मंथ्स लेना है, फिर 3 मंथ स्टॉप करना है। तो गाइज इस रेमेडी को फॉलो करके ना बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा गर्म भी करेंगे, बट क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने आप कंटिन्यूअसली लो और रिजल्ट मिलते हैं तो आप वापस से 3 महीने छोड़ने के बाद जरूर लोगे। और इफेक्ट्स क्या किए हैं वो रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा। एंड न्यू ईयर आने वाला है तो विशिंग यू एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। एक अच्छा सा रिजोल्यूशन बनाइए, क्या क्या आप रिजोल्यूशन बना रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। अगर किसी का रिजोल्यूशन है वेट कम करने का, अगर किसी का रिजोल्यूशन है वेट बढ़ाने का, अगर किसी का रिजोल्यूशन है बाल लंबे करने का, अगर किसी का रिजोल्यूशन कुछ और है जो मैं पूरा कर सकती हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने पे अच्छे से काम कर सकते हैं। सो गाइज ये वीडियो अगर आपके काम का है तो प्लीज इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा, और अगर आपके नॉलेज में कोई है जिन्हें किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखा कीजिए जब आप शेयर कर देते हैं।
ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। इस न्यू ईयर पे हमारा टारगेट होना चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर का, जिसके लिए आपकी मदद मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हम ब्यूटी की अवेयरनेस, हेल्थ की अवेयरनेस औरों तक पहुंचाते रहें, अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करते रहें, तो प्लीज आप भी शेयर कीजिए और मुझे भी इतना प्यार देते रहिए। थैंक यू। अब चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।